जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12 तारीख को पिपली अनाज मंडी के अंदर देश प्रदेश के सभी किसान संगठन इकट्ठा होकर एक महापंचायत कर रहे हैं एमएसपी के लिए। तो किसान साथियों, अभी कहीं से खबर मिली है, फोन भी आए हैं कि सरकार ने गांव के आगे बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया है और जो पिपली अनाज मंडी है वहां भी कल शाम से बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया था। और इंटरनेट सेवाएं जैसे झज्जर, भिवानी, रेवाड़ी, इन जिलों में जो है इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं और शायद कल तक यहां सभी पूरे हरियाणा में शायद कल नेट भी बंद कर दें, पूरे हरियाणा में ही कर दें। तो किसान साथियों, आप सभी से अपील है, एमएसपी की लड़ाई है और हर किसान की लड़ाई है और आप सभी किसान साथी जैसे पीछे किसान आंदोलन में भी सरकार ने, खट्टर सरकार ने पूरा जोर लगाया था कि पंजाब के लोग हरियाणा से होकर दिल्ली न जा सकें और यूपी के लोग भी इधर ना आ सकें, इन्होंने सड़कों में चीले तक गाड़ दी थी, तब भी आपने रुके। तो किसान साथियों, अब की बार भी सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, आपको रुकना नहीं है किसी भी रास्ते से, किसी भी तरह आपको 12 तारीख को 10 बजे किसान जो अपना पिपली अनाज मंडी है वहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है। और हम सरकार से भी ये अपील करना चाहेंगे कि जो ये बैरिकेडिंग कर रहे हैं पिपली मंडी में, हम एक बार चेता देना चाहते हैं सरकार को कि आपने जो 10 सितंबर को रैली हुई थी किसानों की, तब भी आपने पिपली मंडी के आगे बैरिकेडिंग की थी और उसके नतीजे आपको दिल्ली तक भुगतने पड़े थे। तो आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, हम आपको चेता रहे हैं और सभी किसान साथी 12 तारीख को 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी रात को अपना इधर उधर रहे, क्योंकि प्रशासन की नजरें पूरी हमारे पदाधिकारियों पे हैं। तो सारे साथी 12 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, चाहे कुछ भी हो जाए।